कहां गए बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ वाले मोदी और योगी? योगी तेरी राज में बस यही होगा क्या? नमस्कार, आप देख रहे हैं कभी न्यूज, मैं हूं आपके साथ नारायणी भट्ट। आगरा में हुए एक खौफनाक हादसे ने केंद्र सरकार के नारे बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ को एक बार फिर से धूमल कर दिया है। जहां एक यूपी में केंद्र सरकार की ही राज्य सरकार है, तो वहीं इस राज्य सरकार के राज में उसके ही नारा बेटी बचाओ बेटी के साथ होने वाले खौफनाक हादसे पर रोक नहीं लगा पा रहा है। जहां माँ बाप और परिजन तो बेटियों को कोख में नहीं मार रहे, लेकिन योगी सरकार के राज में अपने को ताकतवर और दबंग समझने वाले लोगों लड़कियों की जिंदगी से खेल रहे हैं। अब उन्हें अपनी इच्छा अनुसार मौत के घाट उतार रहे हैं। जी हाँ, इस बार फिर दबंगों ने अत्याचार, जुल्म और जाति की सारी हदें पार कर दी। इन दबंगों ने अपने कुकृत्य से ताज नगरी आगरा को सहमा दिया है, जिसकी खूबसूरती को निहारने लोग दुनिया के कोने कोने से घूमने आते थे। जहां जाति का ऐसा फुहड़ नाच हुआ कि ऊंची जाति के दो दबंगों ने दलित लड़की संजली को, जो सिर्फ अभी 10वीं में थी, उसे धधकती आग में जलाकर मार डाला था। जी हां, ये मामला है 18 दिसंबर दिन मंगलवार, आगरा में 20 किलोमीटर दूर लाला मऊ गांव के पास। दो दबंगों ने स्कूल से वापस लौट रही 10वीं में पढ़ने वाली मासूम बच्ची को आग के हवाले कर दिया। उत्तर प्रदेश में आगरा के मालपुरा क्षेत्र में मोटरसाइकिल सवार दो युवकों द्वारा दिन दहाड़े पेट्रोल डालकर 10वीं की छात्रा को आग में झोंक दिया गया। वहीं उपचार के दौरान दिल्ली स्थित सफदरगंज अस्पताल में रात करीब 2 बजे बच्ची ने दम तोड़ दिया। छात्रा की मौत की खबर से मालपुरा थाना क्षेत्र के उसके गांव ललमऊ में मातम पसरा था। तभी सुबह पता चला कि छात्रा के चचेरे भाई ने भी जहर खाकर जान दे दी है। इस हैवानियत में बच्ची 75% झुलस गई थी, जिसके बाद उसे दिल्ली के सफदरगंज अस्पताल में भर्ती कराया गया था। लेकिन अफसोस कि 36 घंटे तक जूझने के बाद उसने दम तोड़ दिया। तो वहीं जब इस घटना की जानकारी पुलिस को दी गई, तो उन्होंने पुलिस जांच के दौरान उसके भाई को ही उठा ले गए और फिर उसके इस कदर प्रताड़ित किया कि उसके चचेरे भाई ने आत्महत्या कर ली। तो वहीं सूत्रों की माने तो पुलिस ने छात्रा के चचेरे भाई से पूछताछ के लिए थाने आने को कहा था। इसके बाद गुरुवार सुबह उसका शव छत पर मिला। छात्रा के चचेरे भाई की मौत की खबर मिलते ही SSP अमित पाठक मौके पर पहुंच गए। घटनास्थल का निरीक्षण करने का दौरान मौके से फॉरेंसिक टीम को जहर की 3 पुड़िया बरामद हुई है। तो वहीं इतने घिनौने अपराध के बावजूद पुलिस के हाथ अब तक खाली हैं। दोनों आरोपी फरार हैं और पुलिस सिर्फ बयानबाजी कर रही है। इससे तो यह भी साफ हो जाता है कि पुलिस दबंगों को ढूंढने का प्रयास ही नहीं कर रही है, क्योंकि इतनी जांच के बाद भी पुलिस को अभी तक हत्यारों का कोई ठोस सुराग नहीं मिल सका है। उधर छात्रा के भाई की मौत ने पुलिस के सामने कई सवाल खड़े कर दिए हैं। बताया जा रहा है कि दोनों भाई बहन के साथ अच्छे दोस्त भी थे। ऐसे में छात्रा के भाई ने जहर क्यों खाया, अब इस बारे में अधिकारी ग्रुप से कोई जानकारी नहीं दी गई है। दो युवकों ने ली अंजलि की जान। बता दें कि स्कूल से घर लौटते समय मंगलवार दोपहर बाइक सवार दो युवक ने पेट्रोल डालकर संजलि को आग लगा दी थी। 80% जली हालत में उसे आगरा से दिल्ली रिफर किया गया था। गुरुवार की रात 1:30 बजे उसने वेंटिलेटर पर दम तोड़ दिया। चिकित्सकों के मुताबिक उसकी श्वास नली भी जलने से सिकुड़ गई थी। उसे सांस लेने में काफी दिक्कत हो रही थी, उसके लिए वेंटिलेटर पर रखा गया था। गम और गुस्से में उबलता ललमऊ। संजलि की मौत से लोगों के दिलों में गम और गुबार का गुस्सा है। ललमऊ में कोहराम मचा हुआ है। संजलि के घर ग्रामीणों का तांता लगा हुआ है। घटना के विरोध में ललमऊ 9 मील का बाजार बंद हो गया है। युवक सड़क पर उतर आया है। कुछ युवकों ने पुतले भी फूके। अकोला क्षेत्र के अधिकांश स्कूल नहीं खुले। कलेक्ट्रेट पर भीम आर्मी, समाजवादी पार्टी और किसान यूनियन कार्यकर्ताओं ने प्रदर्शन किया। उधर संजलि की साथी छात्राएं भी गमजद हैं। शव को देख भड़का गुस्सा। देर शाम नई दिल्ली से संजलि का शव गांव ललमऊ पहुंचा, तो बड़ी संख्या में ग्रामीणों की भीड़ वहां जुटी थी। आक्रोशित लोगों ने इस दौरान वहां नारेबाजी कर हत्यारों की गिरफ्तारी की मांग की। आक्रोशित परिजनों और ग्रामीणों ने शव का अंतिम संस्कार करने से साफ इनकार कर दिया। सरकार से मदद की मांग की है। SDM सदर ने संजलि के पिता से बात की और कहा कि सरकार से हर संभव मदद के लिए बात करेंगे। इस दौरान संजलि की बहन अंजलि ने 1 करोड़ रुपए मुआवजा और खुद को सरकारी नौकरी दिए जाने की मांग रखी है। दूसरी ओर आगरा के SSP अमित पाठक का कहना है कि योगेश शक के घेरे में था। उसका मोबाइल जब्त कर पुलिस छानबीन कर रही थी। पुलिस की 8 टीमें पूरे मामले की छानबीन कर रही है। मामले का जल्द खुलासा कर दिया जाएगा। तो ये भी साफ नजर आ रहा है कि इतने घिनौने अपराध के बावजूद पुलिस के हाथ अब तक खाली हैं। दोनों आरोपी फरार हैं और पुलिस सिर्फ बयानबाजी कर रही। योगी राज ने क्यों सारी चुप्पी?
सबसे बड़ी बात है कि बड़ी बड़ी बातें करने वाली योगी सरकार आज भी चुप है। गौकशी के मामले को लेकर लोगों को सजा देने वाली आज ये योगी मासूमों की हत्या पर क्यों शांत है? क्या उसे सिर्फ गाय के जीवन से प्यार है या इंसानों से नहीं? गौकशी के हर मामले में बोलने वाले सीएम योगी आदित्यनाथ इस मामले में कब तक खामोश रहे? उनकी तरफ से कोई प्रतिक्रिया अब तक क्यों नहीं आई? वहीं बुलंदशहर हिंसा में मारे गए इंस्पेक्टर सुबोध मामले में भी लंबे समय तक चुप थे और अब दबंगों द्वारा मारी गई 10वीं कक्षा में पढ़ने वाली छात्रा पर भी चुप्पी साध रखी है। तो इससे ये भी साफ है कि योगी की यह चुप्पी दबंगों को शह दे रही है, जो आए दिन उत्तर प्रदेश को खौफनाक उत्तर प्रदेश बनाता जा रहा है।